हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। डेली की तरह मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गई हूँ, आप भी रेडी हो जाइए अपना स्कोर चेक करने के लिए। दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पे सही जगह पे हैं। आप फ्री पे थ्योरी सेशन, MCQ, प्रीवियस ईयर, M1 लाइनर, सभी प्रकार के वीडियो अवेलेबल हैं। एंड NVS का भी वैकेंसी जल्द ही आने वाला है, जैसा कि कल नोटिफिकेशन उसका आ गया है। अब बहुत अच्छा पोस्ट आया है उसमें, PGT का लगभग 1300 पोस्ट। तो आप तैयारी में लग गए, MP मेन एग्जाम्स जिसमें TET क्वालिफाई किया है, UP TGT, NLT ग्रेड जो भी तैयारी कर रहे हैं, अभी से पूरी शिद्दत के साथ लगिए, तभी सफलता आपको मिलेगी। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, जैसे कि NVS का जो फॉर्म भरना शुरू होगा, वैकेंसी जो आएगी वो जुलाई तक में आ जाएगी, जुलाई में आपका फॉर्म अप्लाई होने लगेगा। तो क्वेश्चन है दोस्तों, अधिकतम शक्ति को बढ़ाने के लिए भार मानक ढांचा होता है। तो यदि अधिकतम शक्ति को बढ़ाना है तो भार मानक ढांचा क्या होगा? तो भार अधिक होना चाहिए और विश्राम मध्यांतर का अधिक होना चाहिए, बीच बीच में मध्यांतर यानी कि विश्राम होना चाहिए। यहां पे आपका राइट हो जाएगा ख। नेक्स्ट है, वायु धारकता एयर होल्डिंग निर्भर करती है, यानी कि वायु को अंदर रोक के रखना ये किस पर निर्भर करती है दोस्तों? यह निर्भर करती है एल्वियोलर आकार, यानी कि जो एल्वियोलाई होती है उसमें गैसों का आदान प्रदान होता है, यानी उसमें से ऑक्सीजन जाता है RBC में, हीमोग्लोबिन ले लेता है, एंड वहाँ का जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको एल्वियोलाई ले लेता है जिससे बाहर निकल जाता है। एंड जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती है, ठीक है, इंटरकॉस्टल मसल्स होती है, तो इंटरकॉस्टल मांसपेशियों की ताकत, यदि इंटरकॉस्टल मांसपेशियों की ताकत अच्छी रहेगी तो जब इंटरकॉस्टल मांसपेशी जो है फैलती है तो डायफ्राम जो है नीचे आता है और फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है और बाहर की वायु अंदर आने लगती है, इसी को हम कहते हैं इंस्पायरेशन। और जब इंटरकॉस्टल मसल सिकुड़ती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, तो डायफ्राम ऊपर चला जाता है और फेफड़ों का आयतन कम हो जाता है और वायु जो है अंदर से बाहर आने लगती है, इसी को कहते हैं एक्सपायरेशन। तो वायु धारकता एयर होल्डिंग निर्भर करती है किस पर? एल्वियोलर आकार में, एल्वियोलाई के आकार पर और इंटरकॉस्टल मांसपेशियों की ताकत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धीरे फड़कपन मांसपेशी यानी कि स्लो ट्विस्ट मसल फाइबर होता है, किसमें होता है? तो दोस्तों, स्लो मांसपेशी तंतु दो प्रकार का होता है, एक स्लो ट्विस्ट मसल फाइबर जिसे रेड मसल फाइबर बोलते हैं, एक होता है फास्ट ट्विस्ट मसल फाइबर जिसे व्हाइट मसल फाइबर कहते हैं। जो फास्ट ट्विस्ट मसल फाइबर सफेद यानी कि व्हाइट मसल फाइबर होता है वो एनएरोबिक क्रियाओं में कार्य करता है, एंड जो स्लो ट्विस्ट फाइबर रेड मसल फाइबर होता है वह एंड्योरेंस वाले कार्यों में ज्यादा कार्य करता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा अधिकतम क्रेब्स साइकिल एंजाइमेटिक क्षमता एंड धीमी तंत्रिका प्रसारण गति होता है। तो क्रेब्स साइकिल में ऑक्सीजन निर्माण होता है, जब हम ऊर्जा उत्पन्न होता है तो एंड्योरेंस वाले खेलों में ऐसा होगा आपका। तो ये दोनों आपका राइट होंगे, इस प्रकार ग राइट होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची एक को दो के साथ आपको मिलान करना है, तो यहां पे जो आता होगा उसको सबसे पहले मिलान कीजिए। कर्मचारी प्रबंधन, अनुदेशात्मक प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, सामग्री प्रबंधन। तो वित्तीय प्रबंधन हमेशा लेखा जोखा तय किया जाता है, 3 का 2 हो जाएगा। तो देखिए इस ऑप्शन में 3 का 2 कहाँ पे दिया हुआ है? क में,
ठीक है, इस प्रकार आपका क राइट हो जाएगा, आपको कहीं दिया ही नहीं है, तो ए का फोर हो जाएगा। ए का क्या होगा, फोर, यानी कर्मचारी प्रबंधन जो है संघर्ष समाधान हो जाएगा, एंड अनुदेशात्मक प्रबंधन। टू का थ्री हो जाएगा, यानी कि पाठ्यक्रम की पुनरिच्छा एंड सामग्री प्रबंधन। फोर का वन हो जाएगा, यानी निपटान कार्य विधि। इस प्रकार क राइट होगा। नेक्स्ट है, फिर से आपको मिलान करना है। यहां पे आपको जो आता होगा सबसे पहले उसको आप लगाइए, हाइड्रोमेटरी बायोप्सी, बैरोमीटर, स्केलेटल एक्सरे, ये चार चीजें हैं। तो जो बायोप्सी होता है मांसपेशी तंतु के फाइबर के प्रकार का पता लगाता है, तो यहाँ पे टू का आपका हो जाएगा वन, तो टू का वन तीन ऑप्शन में दिया है। अब अगला हम देखेंगे, जो बैरोमीटर होता है वह वायुमंडलीय दाब को मापन करता है, यानी कि थ्री का फोर हो जाएगा। तो ऑप्शन में कहाँ दिया है, बी का वन, थ्री का फोर, ठीक है, टू का वन, थ्री का फोर, तो टू का वन, थ्री का फोर दिया है ख में। इस तरीके से आप मिलाने वाले ऑप्शंस को राइट करेंगे, जो आ रहा है उसको पहले मिलाएंगे। फिर अब आपने देख लिया यहाँ पे ख आपका राइट हो जाएगा, ख राइट हो जाएगा। इस तरह वन का फाइव होगा, ठीक है, हाइड्रोमेट्री, यह बॉडी कंपोजिशन को बताता है। स्केलेटल एक्सरे जो है एज को बताता है, जो हमारे दाएं हाथ की रेडियस बोन होती है उसको हम एक्सरे एज भी कहते हैं, एज ज्ञात करने के लिए यूज होता है। इस प्रकार ख आपका राइट होगा। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के कठिन स्तर के क्वेश्चंस आपको इस समय पूछे जा रहे हैं, उसी के हिसाब से मैं आपको क्वेश्चन का हल करा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ भी आपको एक दूसरे से मिलान करना है। यहाँ पे आपका है प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, ऑटोजेनिक ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स कंपटीशन, एंजाइटी टेस्ट एंड कंसंट्रेशन एंड अटेंशन। तो एक नया क्वेश्चन है, इसको आप याद कर लीजिएगा। इसको, इसका राइट आंसर है घ, यानी कि वन का टू है, प्रोग्रेसिव रिफ्लेक्शन। इसको निर्माण किया है एडमंड जैक बसन ने। टू है ऑटोजेनिक ट्रेनिंग, इसका निर्माण किया है सूच एंड लूथ ने। एंड थ्री है स्पोर्ट्स कंपटीशन एंजाइटी टेस्ट, इसका निर्माण किया है मार्टन एट हल ने। चौथा है कंसंट्रेशन एंड अटेंशन, इसको दिया है निड फेयर आर एन ने। इस प्रकार घ आकर राइट होगा। नेक्स्ट है, फिर से आपको मिलान करना है। यहां पे सीखने स्पोर्ट्स साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो आपको यहां पे ध्यान देके दिमाग लगाना है। तो यहां पे दिया है समरूप एलिमेंट सिद्धांत, द्विपक्षीय अंतरण, अंतरण का आशय, प्रशिक्षण का अंतरण। तो प्रशिक्षण का अंतरण क्या कहलाता है, प्रशिक्षण का अंतरण, अंतरण का आशय क्या है? तो दोस्तों अंतरण का आशय जो है, सबसे पहले देखिए सीखने का स्थानांतरण सिद्धांत, यानी कि पहले के किए गए कार्य, सीखे गए कार्य का दूसरे किए गए कार्य में उपयोग करना ही प्रशिक्षण का स्थानांतरण होता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि प्रशिक्षण का स्थानांतरण क्या कहलाता है। तो फोर है प्रशिक्षण का अंतरण, ए होगा आपका टू, यानी एक या अन्य कार्य को सीखने का जो अभ्यास का प्रभाव होता है वही होता है सीखने का अंतरण। एंड थ्री है अंतरण का आशय,
अंतरण का आशय है कि अंतरण साधारीकरण को प्रभावित करने वाली दशा होती है। एंड द्विपक्षीय अंतरण, दूसरा है द्विपक्षीय अंतरण। ये एक अंतरण का प्रकार है दोस्तों, जैसे कि सकारात्मक अंतरण, नकारात्मक अंतरण, शून्यात्मक अंतरण होता ही है। इसके अलावा आपका द्विपक्षीय अंतरण भी होता है, प्रकार है, ठीक है। यहाँ पे टू का हो जाएगा थ्री, टू का क्या हो जाएगा थ्री, प्रशिक्षक के अंतरण का प्रकार है। एंड वन है समरूप एलिमेंट सिद्धांत, तो ये आपका हो जाएगा प्रशिक्षक का अंतरण का सिद्धांत है। समरूप एलिमेंट सिद्धांत क्या है? अंतरण का सिद्धांत है। यहाँ पे कौ आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां भी आपको मिलान करना है। यहां पे दिया है हैंडबॉल पुरुष, फुटबॉल का वजन, क्रिकेट बॉल की परिधि, हॉकी बॉल की परिधि। तो इसका आप आसानी से हल कर सकते हैं कि हैंडबॉल पुरुषों के लिए कितना भार होता है, तो इसका हो जाएगा टू, यानी कि 425 ग्राम से 475 ग्राम। फुटबॉल का वजन कितना होता है, तो 410 से 450 ग्राम, 396 से 453 ग्राम होता है, बट यहाँ पे यह दिया है तो यही सही हो जाएगा। एंड क्रिकेट बॉल की परिधि कितना होता है, तो क्रिकेट बॉल की परिधि जो होता है कितना होता है, जैसे कि वो चौड़ा होता है, क्रिकेट बॉल की परिधि 9 इंच होता है, लेकिन इंच में नहीं दिया है, सेंटीमीटर में दिया है। तो आपका राइट हो जाएगा 22.4 सेंटीमीटर से 22.9 सेंटीमीटर। एंड हॉकी बॉल की परिधि जो है 22.4 से 23.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ख आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है फिर से आपको मिलान करना है। यहाँ पे मसल से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो एंटीरियर डेल्टॉयड जो हमारे कंधे पे होती है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका कंधे का संकुचन होगा, यानी कि ए, तो ए का फोर हो जाएगा, ए का फोर आपका ग में दिया है, ठीक है। एंड बाइसेप्स फेमोरिस, ये हेमस्ट्रिंग मसल्स ग्रुप का जो हमारे जांघ के पीछे होती है, बाइसेप्स फेमोरिस, ये घुटने का संकुचन करता है, क्या करता है, घुटने का संकुचन, यहाँ की तीसरा हो जाएगा आपका, दूसरा का तीसरा। फिर है आपका गैस्ट्रोनिमियस, घुटने के नीचे के पीछे की जो मांसपेशी होती है जिसे कॉफ मसल्स कहते हैं, यह प्लांटर संकुचन इसका हो जाएगा। एंड ट्राइसेप्स क्या करती है, जो ह्यूमरस हड्डी के नीचे होती है, ऊपर बाइसेप्स होती है जो हाथ को मोड़ने में काम आती है, एंड ट्राइसेप्स बाइसेप्स के नीचे होती है, ह्यूमरस हड्डी के नीचे होती है जो कोहनी का विस्तार यानी हाथ को फैलाने में मदद करती है। तो राइट हो जाएगा इसका वन। इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर ग राइट होगा। नेक्स्ट है फिर से आपको मिलान करना है। इसमें ऑप्शन दिया है शारीरिक जोखिम, रासायनिक जोखिम, जीव वैज्ञानिक जोखिम, मनोवैज्ञानिक जोखिम। तो मनोवैज्ञानिक जोखिम तो आपका एक असुरक्षा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, असुरक्षा, यानी कि फोर का वन हो जाएगा। एंड शारीरिक जोखिम क्या हो जाएगा, गर्म और ठंडा, इसमें शारीरिक जोखिम होगा। तो एक का थ्री, वन का थ्री एंड फोर का वन, कहाँ पे दिया है, घ में, ऑप्शन नंबर घ में दिया हुआ है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर घ आपका राइट हो जाएगा। इस प्रकार जो आ रहा है उसको पहले आप लगाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। तो टू का रासायनिक जोखिम का क्या हो जाएगा, टू का टू ही होगा, ठीक है, रासायनिक जोखिम का आर्सेनिक होगा, ठीक है। एंड थ्री क्या है, जीव वैज्ञानिक जोखिम आपका पैरासाइटिक हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर घ आपका राइट होगा। नेक्स्ट है स्पोर्ट ट्रेनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस है, आपको मिलान करना है।
इसमें है चपलता, गति, सहनशीलता, बीओ टू मैक्स। तो दोस्तों, तो यहाँ पे चपलता यानी कि एजिलिटी, चपलता यानी एजिलिटी, सबसे पहले आपको जो करेक्ट आ रहा है उसको मिलाइए। यहाँ पे सहनशीलता दिया हुआ है, तो आपको पता है कि सहनशीलता में जो जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, कार्डियो रेस्पिरेटरी एंड्योरेंस की जरूरत होती है, तो सहनशीलता वाली क्रिया में रेड मसल फाइबर यानी कि स्लो ट्विस्ट फाइबर की आवश्यकता होती है, काम करता है। तो यहाँ पे 3 का 1 हो जाएगा, 3 का 1 हो जाएगा। तो 3 का 1 कहाँ पे दिया है? ख और घ दोनों में दिया है। नेक्स्ट आपका गति, गति किससे होता है? गति यानी कि जिसमें स्पीड से काम होता है, एनएरोबिक क्रियाएं होती हैं, छोटे समय की क्रियाएं होती हैं, तो उसमें हो जाएगा व्हाइट मसल फाइबर यानी सफेद मांसपेशीय तंतु। इस प्रकार 2 का 3 हो जाएगा, ठीक है, 2 का 3 हो जाएगा। तो 3 का 1 एंड 2 का 3 किसमें दिया है? किस वाले ऑप्शन में? ख में दिया है। आपका ख राइट हो जाएगा। तो गति सफेद मसल फाइबर यूज होगा, सहनशीलता के लिए रेड मसल फाइबर, एंड चपलता यानी एजिलिटी, चपलता यानी एजिलिटी जो है वह तंत्रिका मांसपेशी समन्वय आपका राइट हो जाएगा, क्योंकि कब क्या करना है, किस कोण पे मुड़ना है, कैसे गति करना है, तुरंत आपको सोचने समझने की क्षमता होना चाहिए एजिलिटी में। वो हमारा तंत्रिका और मांसपेशी दोनों के समन्वय के कारण होता है। अब VO2 max क्या होता है? तो VO2 max का आपका हो जाएगा कोशिका केशिका तंत्र। क्या हो जाएगा? केशिका तंत्र, यानी कि व्यायाम के समय अधिकतम हृदय गति हो जाने पर उस समय 1 मिनट में जितनी ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है उसी को कहते हैं VO2 max। यह केशिका तंत्र यानी कि श्वसन क्रिया से संबंधित है। तो राइट हो जाएगा आपका ख। नेक्स्ट है, फिर से आपको मिलान करना है। इसमें मनोवैज्ञानिक एज ज्ञात करने की विधियां जो है दिया गया है। तो यहाँ पे आपको देखना है काल क्रमिक वायु यानी कि एनो क्रोनोलॉजिकल एज में क्या होता है, वर्ष महीने और दिनों में एज को गणना की जाती है, इसको कैलेंडर एज या स्कूल एज भी कहा जाता है। तो इसका हो जाएगा आपका 4, वर्ष महीनों और दिनों में दर्ज होता है, 1 का 4। तो 1 का 4 किसमें दिया है? ख में, ठीक है। एंड शरीर रचना आयु यानी कि एनाटॉमिकल एज में क्या होता है, अस्थि तंत्र की वृद्धि और विकास से हम उसके आयु का पता लगाते हैं। 3rd हो जाएगा अस्थि तंत्र की वृद्धि और विकास से। शरीर वृत्ति आयु यानी क्रिया विज्ञान आयु यानी कि फिजियोलॉजिकल एज जो है, जो युवावस्था में हार्मोनल चेंजेज होते हैं बॉयज गर्ल्स में, उसके आधार पर गणना की जाती है। तो इसका 1 हो जाएगा यौन आरंभ से संबंधित हार्मोन्स का उत्सर्जन। एंड 4th है आपका मानसिक आयु मेंटल एज, इसमें मनोवैज्ञानिक परीक्षण से ज्ञात किया जाता है, जैसे टर्मन ने इसको ज्ञात करने का सूत्र दिया है IQ यानी इंटेलिजेंस क्वेटेंट बुद्धि लब्धि बराबर MA/CA × 100। MA मतलब मेंटल एज अपन सी यानी क्रोनोलॉजिकल एज वास्तविक आयु गुणे 100। तो इसकी बुद्धि लब्धि को ज्ञात करने का सूत्र दिया है टर्मन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको मिलान करना है खेल के सैद्धांतिक धारणाओं यानी सिद्धांतों पर आधारित तो क्वेश्चन है। तो यहाँ पे आपको देखना है, एक तरफ खेल की धारणा दिया है, एक तरफ उसके संस्थापक दिया है। तो सबसे पहले देखेंगे जो आपको करेक्ट आ रहा है, मनोविनोद धारणा सिद्धांत यानी कि रिक्रिएशन यानी मनोरंजनात्मक थ्योरी किसने दिया है? लॉर्ड केम्स और W. पैट्रिक ने दिया है। तो यहाँ पे 4 का 1 हो जाएगा। एंड कैथेटिक थ्योरी रेचन विरेचन धारणा को किसने दिया है? एरिस्टोटल यानी कि अरस्तु ने दिया है। तो 2 का 4 हो जाएगा। तो 4 का 1 2 का 4 दिया है क में। एंड
पुनरावर्तन पुनः अवलोकन धारणा किसने दिया है? स्टैनली हॉल ने। थर्ड का थर्ड ही आपका हो जाएगा, ठीक है। एंड वन का टू, अति ऊर्जा सिद्धांत को दिया है वेन इसकी लर ने। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ख को आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिर से आपको मिलान करना है। ए क्वेश्चन है एरोबिक व्यायाम, एनएरोबिक व्यायाम, आइसोटोनिक व्यायाम, आइसोमेट्रिक व्यायाम। इसका आंसर आप एकदम आसानी से दे सकते हैं, बहुत बार अभ्यास कर चुके हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस का। एरोबिक जो ऑक्सीजन के मौजूदगी में किया गया व्यायाम, तो क्या हो जाएगा? फोर, ठीक है। एनएरोबिक ऑक्सीजन के अभाव में किया गया व्यायाम, वन हो जाएगा। आइसोटोनिक व्यायाम में क्या होता है कि मांसपेशी की लंबाई परिवर्तित होती है, संकुचन और शिथिलन के दौरान मांसपेशियों की लंबाई में परिवर्तन होता है, तो आइसोटोनिक हो जाएगा। एंड आइसोमेट्रिक जो है, संकुचन और शिथिलन के दौरान मांसपेशियों की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं होती है, सेम लंबाई होती है, जैसे दीवार को धक्का देना, तो ये होता है आइसोमेट्रिक व्यायाम। तो कौन सा आसन राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ख। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन ए और आर दिया गया है, स्टेटमेंट्स बेस पे क्वेश्चंस है। ए है मूल्यांकन विभिन्न परीक्षणों और मापन विधियों के माध्यम में से एकत्रित किए गए डाटा की व्याख्या की प्रक्रिया है, तो ये राइट है। एंड आर है उसके तर्क में कि यदि कार्यक्रम के स्थापित लक्ष्यों के समान रूप डाटा की व्याख्या पर विचार नहीं किया जाता तो यह अपूर्ण होगा। बात सही है दोस्तों, दोनों बात सही है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा ए और आर दोनों राइट है और आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है अभिकथन ए है कि आज विश्व में राजनीति जो है वो प्रतियोगी खेलों का एक अभिन्न भाग हो गई है। बात सही है, हर जगह राजनीति चल रहा है। आर है कि प्रतियोगी खेल का प्रयोग विचारधारा और आर्थिक पर्याप्तता में राष्ट्रीय सर्वश्रेष्ठता प्रदर्शन हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है, तो ये भी राइट है। तो यहाँ पे राइट हो जाएगा ख, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है अभिकथन ए है कि जितना अधिक भार उतना ही कम पुनरावर्तन और संपादन की ताल होगी, तो जितना अधिक भार होगा उतना ही कम पुनरावर्तन और संपादन की ताल होगी, ये बात सही है। आर है दोनों ही पुनरावर्तन की संख्या एवं ताल अवस्था गति का संपादन भार का कार्य है, दोनों राइट है। इस प्रकार ख राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की सही व्याख्या है। नेक्स्ट है अभिकथन ए है कि अच्छी अंग भंगिमा में से व्यक्ति शिथिल आरामदायक तथा सुगमता से क्षमता के साथ प्रतिदिन के कार्यों को कर सकता है, एकदम राइट है दोस्तों। एंड आर है स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों में खराब अंग भंगिमा के कारणों में अव्यवस्थित पोशाक, बैठने पढ़ने तथा लिखने की गलत आदतों तथा भारी स्कूल बैग को ले जाना है, ये तो बात सही है, बट जो ए अभिकथन है उसका ये सही तर्क नहीं करता। बात तो सही है लेकिन उसका ए का सही तर्क नहीं कर रहा है। इसका मतलब ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ठीक है, को आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अभिकथन ए है कि अच्छे पाठ देने का आधार शिक्षा में सहायक साधनों, आधुनिक उपकरणों तथा अनुदेशात्मक प्रौद्योगिकी पर होता है, तो यहाँ पे ये सत्य है। एन आर है पाठ योजना में उद्देश्यों को परिभाषित करना, विषय वस्तु का चयन करना तथा अनुक्रम में रखना तथा सीखने की पद्धति एवं रीत आता है, तो यहाँ पे आर भी सही है बट ए की सही व्याख्या यहाँ पे आर नहीं कर रहा है,
तो ये राइट हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है बट आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है अभिकथन ए है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वतोमुखी विकास करना है, एकदम राइट है, आप सभी इसको पढ़ते आ रहे हैं अभी तक में। एंड आर है तर्क मनुष्य को जीवन जीने और सोच विचार की विश्वस्त और बुद्धिमत्ता पूर्वक पद्धति प्रदान करने की खोज करता है। ये बात तो सही है बट यहाँ पे जो ये कहा गया है कि शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को व्यक्तित्व का सर्वाधिक विकास करना है, उसका सही तर्क नहीं दिया है यह, ठीक, और बात तो सही है जो कह रहा है, ठीक है। इस प्रकार आपका क राइट हो जाएगा, ए और आर सत्य है बट आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, अब अभी कथन वाले क्वेश्चन हट गए, अब इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे डायरेक्ट वाले। क्वेश्चन है कि निम्न में से खेल में सामान्यतः सबसे अधिक फुट डिसलोकेशन होता है, तो फुट डिसलोकेशन यानी पैरों की डिसलोकेशन सबसे अधिक होता है जिम्नास्टिक में। डिसलोकेशन मतलब हड्डी का जो जोड़ वाला भाग है वो अपने स्थान से खिसक जाना, हट जाना ही हड्डी का डिसलोकेशन बोला जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, ग्लेडिएटर खेल कहाँ के लोगों के समय व्यतीत करने का समय, ग्लेडिएटर खेल कहाँ के लोगों के समय व्यतीत करने का सबसे लोकप्रिय साधन था, तो यह रोम का था, ठीक है, कहाँ का, रोम का। नेक्स्ट है जॉन डीवी ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया, तो आपको पता है वे प्रयोगवाद, वास्तविकतावाद, प्रैग्मेटिज्म, इतने नामों से जाना जाता है इनके व्यवहार को, वास्तविकतावाद जिसे हम व्यवहारवाद कहते हैं, प्रयोगवाद कहते हैं, ठीक है, उपयोगितावाद कहते हैं, प्रैग्मेटिज्म, डीवीइज्म आदि नामों से जाना जाता है। प्रकृतिवाद के संस्थापक प्रतिपादक है रूसो, आदर्शवाद के प्लेटो एंड यथार्थवाद के अरस्तु। नेक्स्ट है मनोशारीरिक का मनोकारक अनुक्षेत्र संबंधित है, तो मनोशारीरिक का यानी साइकोमोटर का जो मनोकारक अनुक्षेत्र है वो किससे संबंधित है, गति कौशल्य से, किससे, गति कौशल्य से, मोटर स्किल से, किससे, मोटर स्किल, गति कौशल मतलब मोटर स्किल। नेक्स्ट है ओलंपिक के विभिन्न रंगों के अंतर संबंधित चक्र क्या प्रदर्शित करते हैं, तो जो ओलंपिक में पांच छल्ले होते हैं ध्वज पे, नीला, पीला, काला, हरा, लाल, वो पांच महाद्वीपों के प्रतीक हैं। नीला यूरोप महाद्वीप का प्रतीक, पीला एशिया महाद्वीप का प्रतीक, काला अफ्रीका महाद्वीप का प्रतीक, हरा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का प्रतीक, लाल अमेरिका महाद्वीप का प्रतीक। ये सभी क्या प्रदर्शित करते हैं, दुनिया की एकता को, विश्व एकता को प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट है एक्टोमोर्फ व्यक्ति है, सेल्डर ने तीन बारी टाइप बताए हैं, एंडोमोर्फ, मेसोमोर्फ, एक्टोमोर्फ। तो एक्टोमोर्फ पतला सीधा होता है, ठीक है, पतला सीधा होता है, ये इंडोरेंस वाले खेल क्रियाओं में ज्यादा एक्टिव रहते हैं। नेक्स्ट है आपको मिलान करना है, स्वेच्छा से प्रारंभ की गई क्रिया को हम क्या कहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं इसको मनोरंजन बोला जाता है, तो एक ऑफ फोर हो जाएगा। जॉन डीवी के नाम प्रचलित प्रयोगवाद को क्या कहते हैं हम, बी है जॉन डीवी के नाम प्रचलित प्रयोगवाद को हम वास्तविकतावाद यानी डीवीइज्म या प्रैग्मेटिज्म एक्सपेरिमेंटिज्म बोला जाता है, तो बी का वन हो जाएगा, एक ऑफ फोर, बी का वन किसमें दिया है, दो ऑप्शन में दिया है, ख ग दोनों में, ठीक है। एंड नेक्स्ट है जैविक विकास, जैविक की प्रक्रिया से शरीर में होने वाली संरचनात्मक वृद्धि को हम कहते हैं विकास, डी का टू हो जाएगा, डी का टू हो जाएगा। एंड वह दृष्टिकोण जो प्रकृति को भी को सभी क्रियाओं का संचालक मानता है वह होता है यथार्थवाद यानी सी का थ्री हो जाएगा। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन राइट होगा, यहाँ पे ग, कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ग। नेक्स्ट है
हृदय मांसपेशी को कहते हैं। तो दोस्तों एनाटॉमिकल भाषा में हृदय मांसपेशी को मायोकार्डियम बोला जाता है। इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो मायोकार्डियम राइट होगा। एंड ये पूछे कि हृदय मांसपेशी कितने पेशियों से मिलकर बनी हो, तो तीन। कौन कौन सी? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कोशिका श्वसन और किसमें? तो माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन के दौरान 36 एटीपी का निर्माण होता है। उसके अलावा वो क्या करता है? जब वहां पे कोशिकीय श्वसन होता है, ऑक्सीजन जाता है, तो ग्लूकोज में ऊर्जा को कन्वर्ट करके एटीपी का निर्माण करता है। तो कोशिकीय श्वसन के अलावा इसका काम है ऊर्जा उत्पादन करना, इसीलिए इसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। ठीक है, कोशिका में ऊर्जा का ऊर्जा गृह कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट है भारी व्यायाम के दौरान थकान प्रारंभ होने का मुख्य कारण क्या होता है? आप सबको पता है लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। नेक्स्ट है फुटबॉल के खिलाड़ी एनाबोलिक स्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं ताकि उनमें संचार हो। तो एनाबोलिक स्टेरॉइड क्या करता है? हमारे मसल्स को बिल्ड करता है, एक शेप बॉडी देता है, असीम शक्ति का विस्तार कर देता है। तो पतला शरीर और शक्ति प्राप्त करने के लिए वो करता है ऐसा। ठीक है, और दुनिया में सबसे ज्यादा डोपिंग के रूप में प्रयोग किया जाने वाला एनाबोलिक स्टेरॉइड ही है। नेक्स्ट है सूची एक को दो से मिलान करना है आपको। दोस्तों यहाँ पे है तेज गति की दौड़ों के दौरान ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? तो तेज गति के दौड़े के दौरान ऊर्जा का जो स्रोत होता है एनारोबिक होता है, और जो हमारे शरीर में ऊर्जा मौजूद है, एटीपी मौजूद है, उसी को यूज करता है, अलग से बनाता नहीं है, ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऑक्सीजन न रहने पर चय अपचय, यहाँ पे ए का ए ही हो जाएगा, ए का वन हो जाएगा। ठीक है, एंड व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन की कमी बढ़ना क्या कहलाता है? तो व्यायाम के दौरान ऑक्सीजन की कमी बढ़ना कहलाता है ऑक्सीजन ऋण। सी है मांसपेशी में ऑक्सीजन का भंडार कौन करता है? दोस्तों तो मांसपेशी में ऑक्सीजन का भंडार करता है, स्टोर करके रखता है मायोग्लोबिन। तो सी का टू हो जाएगा। एंड व्यायाम के दौरान तुरंत बाद आराम करना का समय को क्या कहते हैं? दोस्तों यथा स्थिति प्राप्त करने का समय। ठीक है, व्यायाम करने का थकावट हो जाती है, पुनः यथा स्थिति प्राप्त करने के थोड़ी देर तक हम क्या करते हैं? आराम करते हैं, कूलिंग डाउन करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा राइट होगा? तो ऑप्शन नंबर क आपका राइट है। दोस्तों जो भी मैं करा रही हूँ सभी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इतना अच्छे से क्वेश्चन कोई भी हल नहीं करा रहा है, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेके आ रही हूं मैं। नेक्स्ट है फेंकने वाले द्वारा जिस दिशा में गोला फेंकने में बल लगाया गया है वह निर्धारित करता है, क्या निर्धारित करता है? कि विमोचन का कोण और संचलन वेग दोनों को निर्धारित करता है। नेक्स्ट है अभिकथन ए है कि एक प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में बल भुजा यानी फोर्स आर्म और अवरोधक भुजा यानी कि भार भुजा की अपेक्षा लंबाई को परिवर्तित कर सकता है। तो बात सही है। एंड आर है फलक्रम बल और अवरोधक भुजा के बीच रहता है उपरोक्त। तो ये बात तो सही है, फलक्रम जो है एक्सिस जो है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक में एक्सिस रेसिस्टेंस एंड फोर्स के बीच में रहता है, ये बात सही है। लेकिन जो पहला आपका अभिकथन दिया है उसका सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ये बात तो सही है। तो इस प्रकार हो जाएगा आपका ए और आर दोनों राइट है, बट आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, ख आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट व्यायाम संबंधी स्ट्रेस फ्रैक्चर हड्डियों में होता है। तो दोस्तों स्ट्रेस फ्रैक्चर जो घुटने के नीचे अक्सर होता है, कहां पे होता है? घुटने के नीचे अक्सर होता है। नेक्स्ट है किसी व्यक्ति के शरीर की मुद्रा तब तक ठीक ठाक रहती है जब तक उसके शरीर में इनके बीच संपूर्ण संतुलन हो।
तो किसके किसके बीच संपूर्ण संतुलन रहेगा तो आपकी मुद्रा हमेशा ठीक ठाक रहेगी। तो किसके बीच दोस्तों, ताकत और लोचशीलता, आप में शक्ति रहेगी, एनर्जी रहेगी एंड लोचशीलता फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तो आपकी मुद्रा ठीक ठाक रहेगी, आप अच्छे तरीके से कार्य कर सकते हैं और के बीच संतुलन को स्थापित कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल एक दूसरे के संतुलन संतुलित करते हैं तब तार गोला जो है क्या होता है, और अधिक चलेगा, और अधिक गति से चलेगा। अभिकेंद्र बल यानी केंद्र की ओर लगने वाला बल, सेंट्रीपिटल, एंड अपकेंद्र बल केंद्र से बाहर की ओर चलने वाला बल, सेंट्रीफ्यूगल। यानी जब हम तार गोला को घुमाते हैं उस समय केंद्र की ओर बल लगता है, यानी अभिकेंद्रक बल लगता है, सेंट्रीपिटल बल। अब जब हम उसको फेंकते हैं घुमाने के बाद तो सेंट्रीफ्यूगल यानी अपकेंद्र बल लगता है बाहर की ओर। तो दोनों में संतुलित रहेगा तो उसकी और अधिक गति से वो चलेगा, अधिक दूरी जाएगा। नेक्स्ट है, मिलान करना है फ्लेक्शन, एब्डक्शन, विस्तार, सर्कमडक्शन। ये चारों चीजें दिया हुआ है, आपको मिलान करना है। तो चारों को आप कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं। तो फ्लेक्शन मतलब मोड़ना, यानी कि कोण का कम होना। तो फ्लेक्शन का क्या हो जाएगा, कोण का कम करना, एक और टू हो जाएगा, ठीक। एंड विस्तार का मतलब क्या होगा, फ्लेक्शन का तो कोण का कम होना और विस्तार में कोण में वृद्धि होना, तो सी का हो जाएगा थ्री। सी का क्या हो जाएगा, थ्री, ए का टू, सी का थ्री, ठीक, संधि के कोण में वृद्धि। एंड सर्कमडक्शन क्या होता है, सभी हलचलों का मिश्रण, जितनी भी गतियां हैं सबका मिश्रण होता है, उसको सर्कमडक्शन कहते हैं। डी का वन हो जाएगा एंड बी का फोर। एब्डक्शन मतलब क्या होता है, हम कंधे को, अपने हाथ को कंधे के लेवल पर बाहर की तरफ खींचते हैं, मतलब उठाते हैं। तो ए होता है शरीर की मध्य रेखा से परे हलचल, यानी मध्य रेखा से दूर जाता है एब्डक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे फोर हो जाएगा, और एडक्शन में क्या होता है, मध्य रेखा की तरफ आता है वापस शरीर की तरफ। इस प्रकार आपका ग राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, एक्सिस एंड प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। तो आपको पता है कि प्लेन जो है, प्लेन से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्लेन यानी तल, तीन प्रकार का होता है, सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल। सेजिटल जो है शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटती है और गति आगे पीछे होती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन। एंड दूसरा होता है फ्रंटल प्लेन, जो शरीर को आगे पीछे बांटती है और गति दाएं बाएं होती है, एब्डक्शन एडक्शन। एंड तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, जो शरीर को ऊपर नीचे भागती है, बांटती है, और सभी रोटेशन क्रियाएं होती हैं और सर्कमडक्शन क्रियाएं। तो यहां पे दिया है आपका क, आपको ये देखना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे क है कल्पित धरातल, जिस पर गति होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्लेन कहते हैं, राइट है। ख है कल्पित धरातल, जो शरीर को प्रवर और अवर भागों में, यानी ऊपर नीचे भागों में बांटती है, उसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये भी राइट है। एंड ग है कल्पित धरातल, जो शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटती है, उसको कहते हैं सेजिटल प्लेन या मध्य मेडियल प्लेन भी इसको बोला जाता है। एंड घ है कल्पित धरातल, जो शरीर को आगे पीछे भागों में बांटती है दोस्तों, उसको फ्रंटल प्लेन बोला जाता है, जबकि यहाँ पे सेजिटल प्लेन दिया है, इसलिए ए आपका सही नहीं है, घ आपका सही नहीं है। नेक्स्ट है कि आपको मिलान करना है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि निर्माण, निर्माण हमेशा सृजनात्मक क्रिया में होता है, ठीक है। निर्माण करना मतलब हम कोई सृजन कर रहे हैं, तो सृजनात्मकता डी का वन, डी का थ्री हो जाएगा, डी का थ्री ग में दिया हुआ है। एंड दोस्तों जिज्ञासा, आश्चर्य, सी का फोर। एंड जुझारूपन से क्रोध रिलेटेड है, पलायन से भय, इस प्रकार आपका ग आपका राइट होगा।
नेक्स्ट है अधिगम सिद्धांत से अधिकतम संबंधित मनोवैज्ञानिक स्कूल है, तो अधिगम सिद्धांत से रिलेटेड मनोवैज्ञानिक स्कूल है गेस्टाल्ट स्कूल। नेक्स्ट है किसी सामाजिक समूहों के व्यवहार और संबंधों के सांख्यिकी अध्ययन को कहते हैं, तो किसी सामाजिक समूहों के व्यवहार और संबंधों के सांख्यिकी अध्ययन को समाज मिति बोला जाता है। क्या बोला जाता है? समाज मिति। नेक्स्ट है टीम के खिलाड़ियों के बीच एक बार अंतर व्यक्तिक स्थापित हुए संबंध सदैव रहते हैं, तो कैसे रहते हैं? डायनेमिक यानी कि गतिशील, यानी कि बार बार बदलते रहते हैं, गतिशील मतलब। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो कौन इसमें सही नहीं है ये आपको छांटना है। ठीक है, कौन है मानव व्यक्तित्व का प्रमुख पक्ष शारीरिक ढांचा है, तो दोस्तों व्यक्तित्व को निर्धारित करने के चार आयाम है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कौन कौन से? फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशियो सोसाइटी। ठीक है, सोशियल, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोसाइटी। ठीक है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशियल, ये चार आयाम है व्यक्तित्व को निर्धारित करने के लिए। अब कोई एक आयाम इसको निर्धारित नहीं कर सकता, चारों आयाम निर्धारित करेंगे। तो पहला है क है मानव व्यक्तित्व का प्रमुख पक्ष शारीरिक ढांचा है। ठीक है, शारीरिक ढांचा को देखा जाता है पहले। एंड बी है ख है कि किसी व्यक्ति का भावनात्मक पक्ष अकेले ही उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करती है, तो अकेले नहीं निर्धारित करती है, ये चारों चीजें निर्धारित करती है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशियल। तो आपका कौन सही नहीं है? ख आपका सही नहीं है, यहाँ पे सीधे पता चल गया ख सही नहीं है, कोई एक फैक्टर व्यक्तित्व को निर्धारित नहीं कर सकता। गौर है मानव व्यक्तित्व अर्थहीन हो जाता है जब उसकी कल्पना बौद्धिक और मानसिक पक्षों के बिना की जाती है। सही बात है, जब बौद्धिक और मानसिक पक्ष नहीं रहेगा तो उसकी कोई महत्व नहीं रहेगा व्यक्तित्व का। एंड घ है सामाजिकता व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पक्ष है। ठीक है, सामाजिकता महत्वपूर्ण पक्ष है, तो आपका ख राइट नहीं होगा। नेक्स्ट है कि शारीरिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में सबसे कम महत्वपूर्ण सुविधा है, तो यहाँ पे सबसे कम महत्वपूर्ण आपको छापना है। महत्वपूर्ण तो ये चारों हैं, बट सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है ये आपको बताना है। तो तरण ताल शारीरिक शिक्षा में महत्वपूर्ण है, मानक धावक पक्ष भी है, धावन पक्ष भी है, बहुउद्देशीय इंडोर हॉल भी है, तो सबसे कम महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा मानव निष्पादन प्रयोगशाला, भी महत्वपूर्ण है बट सबसे कम महत्वपूर्ण इसी चारों ऑप्शन में ए है, मानव निष्पादन प्रयोगशाला। नेक्स्ट है प्रारंभिक स्कूल पाठ्यक्रम में जोर देना चाहिए, तो प्रारंभिक स्कूल पाठ्यक्रम में मूवमेंट शिक्षा पर बल देना चाहिए। नेक्स्ट है शारीरिक शिक्षा के शिक्षण अध्यापन को अधिकतम दुष्प्रभावित करने वाला कारक है, तो शारीरिक शिक्षा के शिक्षण अध्यापन को अधिकतम दुष्प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? पाठ्यक्रम की अनेक रूपता ही इसका शिक्षा अध्यापन को अधिक दुष्प्रभावित करने वाला कारक है। नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे आपको मिलान करना है, ए है समय सारणी। समय सारणी का मतलब होता है किस काम को कब किया जाए, इसका बंटवारा किया जाता है। तो ए का फोर हो जाएगा कि एक दस्तावेज जिसमें यह अंकित होता है कि किसको कब और क्या करना है। एंड सिलेबस, सिलेबस क्या होता है? सिलेबस होता है कि विषय सूची की एक रूपरेखा। ठीक है, इसका थर्ड हो जाएगा बी का, विषय सूची की एक रूपरेखा जिसके अनुरूप विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता है, वो सिलेबस होता है, जैसा कि आप सबको पता है। ठीक है, तो ए का फोर हो गया, बी का थ्री। ठीक, एंड पाठ्यक्रम क्या होता है? पाठ्यक्रम ये होता है जो संस्था द्वारा स्थापित एक पाठ्यक्रम होता है। एंड व्यवसायिक नैतिकता क्या होता है? कि एक दस्तावेज जिसमें विद्यार्थियों को व्यवसाय के बारे में नैतिकता सिखाया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर को आपका राइट हो गया। नेक्स्ट है
यहां भी आपको मिलान करना है, यहां मिलान नहीं करना है दोस्तों। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कौन सुमेलित नहीं है इसको आपको देखना है। एक पारस्परिक व्यायामशाला को पहले क्या कहा जाता था, उसको व्यायामशाला बोला जाता है, ए राइट है। एंड अकादमिक और खेल स्पर्धाओं का वार्षिक कैलेंडर को हम कहते हैं एथलेटिक कौशल्य, क्या कहते हैं, एथलेटिक कौशल्य। एंड खेलों के मूलभूत कौशल के निष्पादन की योग्यता को कहते हैं एथलेटिक, क्या कहते हैं, एथलेटिक। यहाँ पे राइट नहीं है बी की पढ़ाई अभ्यास भागीदारी प्रतिस्पर्धा के लिए समय निर्धारण करती है माइक्रो अनुसूची बनाना, ये राइट नहीं। नेक्स्ट है दूध मक्खन और घी प्रदान करते हैं, तो इसमें विटामिन डी एंड विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है इन तीनों में, तो आपका घर राइट हो जाएगा। दोस्तों ये था आज का 50 MCQ क्वेश्चंस, क्वेश्चंस हाई लेवल के हैं। यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को डेली बेसिस पे हल कर रहे हैं तो आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। एंड दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए। एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, और फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुंचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।